पूर्व सेना कप्तान किसने पुणे फुटपथ में जीता बीटन टू डेथ। पुलिस ने कहा कि सेना में एक पूर्व कप्तान रविंद्र बाली 67 पुणे शिविर क्षेत्र में फुटपाथ पर स्थायी तंबू में एक घर के रूप में रह रहे थे। सेना में एक पूर्व कप्तान का शव गुरुवार रात देर रात पुणे छावनी क्षेत्र में पाया गया था कि पुलिस को दो अज्ञात लोगों ने उसे मार दिया था। पुलिस ने कहा कि सेना में एक पूर्व कप्तान रविंद्र बाली 67 पुणे शिविर क्षेत्र में फुटपाथ पर स्थायी तंबू में एक घर के रूप में रह रहे थे। लश्कर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा एक बंगला के चौकीदार जिसने दो लोगों को बाली पर हमला करने और दृश्य से भागने के लिए देखा पुलिस को सतर्क कर दिया। अधिकारी ने कहा बाली अपने परिवार के साथ कई सालों से संपर्क में नहीं थी और वह एक सदाबहार जीवन जी रही थी। जांच के दौरान हम अपने परिवार का ब्यौरा प्राप्त करने में कामयाब हुए और बदले में उन्होंने बाली की पहचान करने में मदद की, अधिकारी ने कहा। उन्होंने कहा कि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है और उन्हें पहचानने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जांच चल रही है। पुलिस ने कहा कि 67 वर्षीय रविंद्र बाली फुटपाथ पर एक स्थायी तंबू में रह रहे थे। एक चौकीदार ने देखा कि श्री बाली पर हमला दो लोगों ने देखा। अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है।